नमस्ते सभी को। आज संगमित्रा पर परमार जी की शेयरिंग है। नमस्ते सभी को। मेरा नाम संगमित्रा सिंह परमार है और मैं क्लास 6th में पढ़ती हूँ। और हाँ, मैं स्कूल BHS सुमति एकेडमी में पढ़ती हूँ और मैं छतरपुर MP में रहती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी टाइम से मॉर्निंग सेशन को अटेंड कर रहे हैं और स्टार्टिंग में मैं भी करती थी स्टार्टिंग के टाइम में, लेकिन उसके बाद फिर स्कूल ऑफलाइन हो गए तो मैं नहीं कर पाई। और लेकिन फिर भी हम सब एक डिस्कशन करते हैं रात में, रोज हम लोग फैमिली डिस्कशन करते हैं 5 मिनट का ही, लेकिन हम लोग करते हैं। और हाँ, और मैं पापा से भी बात करती रहती हूँ तो ये थोड़ी थोड़ी बातें वो मुझे समझाते रहते हैं। और हाँ, लॉकडाउन के टाइम में मैंने बहुत सारे प्लांटेशन की थी, बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करा था। और मैं और पापा रोज सुबह सुबह नर्सरी भी जाया करते थे और वहाँ पे प्लांटेशन करते थे और पानी देते थे पेड़ों को। तो लॉकडाउन के टाइम में मैंने बहुत सारे पेड़ों को लगाए, लेकिन उसके बाद फिर स्कूल ऑफलाइन हो गए जिसके बाद टाइम नहीं मिला। लेकिन मैंने सोचा है कि अब समर वेकेशन के टाइम में मैं लगाऊंगी और पेड़ों को। और हाँ, और एक्सरसाइज वन में, वन के स्टेप वन में मैं ऑब्जर्विंग द सेल्फ बाय द सेल्फ, सेल्फ से सेल्फ को देखना। तो हाँ, और स्टेप सेकेंड में मैं सहज हूँ या असहज हूँ। स्टेप थर्ड में मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ। स्टेप फोर्थ में इसका निर्णय कौन लेता है, तो मैंने देखा इसका निर्णय मैं ही लेती हूँ। स्टेप फिफ्थ में इसका आधार क्या है। स्टेप सिक्स्थ में मेरी चाहत क्या है, संबंध व्यवस्था और अस्तित्व या फिर विरोध अव्यवस्था और संघर्ष। तो मैंने देखा मेरी चाहत संघर्ष संबंध व्यवस्था और अस्तित्व है। और स्टेप सेवन में मैं संबंध व्यवस्था और अस्तित्व में चलने की प्रयास करूंगी। और एक्सरसाइज सेकेंड के स्टेप फर्स्ट में मुझे समझ आया कि सेल्फ और बॉडी दोनों अलग अलग रियलिटीज हैं और दोनों की अलग अलग नीड है। जैसे सेल्फ की नीड है अच्छा व्यवहार और शरीर की नीड है सुविधा और समृद्धि। स्टेप सेकेंड में सेल्फ और बॉडी के बीच में आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान। स्टेप थर्ड में इसका निर्णय कौन लेता है। स्टेप फोर्थ में सेल्फ और शरीर के बीच में दूरी है। स्टेप फिफ्थ में बाहर की परिस्थिति से को लेकर मेरा निर्वाह, मेरे विचारों का निर्वाह। और फिर स्टेप सिक्स्थ में जब मैं संबंध में होती हूँ, सुखी होती हूँ, तो मैं स्वतंत्र रहती हूँ। और जब मैं विरोध में रहती हूँ तब मैं परतंत्र रहती हूँ। और स्टेप सेवन में मैं बॉडी और सेल्फ दोनों शून्य में बने हुए हैं। तो ये एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकेंड जितना मैंने समझा, और मैं अभी पूरी तरीके से नहीं समझ पाई हूँ, पर हाँ रोज थोड़ी थोड़ी डिस्कशंस होते रहते हैं और मैं समझने की कोशिश करती हूँ। तो एक्सरसाइज वन फर्स्ट एंड सेकेंड, उसके बाद फिर मुझ में थोड़े से चेंजेस हुए हैं। जैसे और कुछ एग्जांपल्स भी हैं। तो सबसे पहले तो एक बार या आई गेस हाँ 3 महीने पहले की बात है। तो प्रोजेक्ट बनाना था हम लोगों को, तो मैंने अपना प्रोजेक्ट बना दिया था। वो आर्किटेक्चर डिजाइनिंग से थोड़ा रिलेटेड था। तो फिर मेरी फ्रेंड का कॉल आया, उसने मुझसे हेल्प मांगी कि मुझे नहीं समझ आ रहा है तो तुम मुझे फोटो सेंड कर दो। तो पहले तक मैं होती तो मैं सोचती कि मैं क्यों करूं, मेरा तो बन ही गया है। लेकिन अब मैंने फिर उसे फोटो भी सेंड करी, उसकी हेल्प करने की भी कोशिश की और ट्राई किया कि उसका मेरे से भी बेस्ट बने और कुछ आइडियाज भी दिए। तो पहले से मुझ में ये चेंज आया है। और
सेकंड मुझ में ये चेंज आया है कि पहले तक क्या होता था, जब मैं भाई के पास जाती थी तो हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें हुए, उसके बाद फिर झगड़ा करने लगते थे और वो झगड़ा बहुत बड़ा बन जाता था। लेकिन अब मैं उसके साथ कन्वर्सेशन करने की कोशिश करती हूँ, मैं उनके साथ बातें करने की कोशिश करती हूँ और हम लोग ऐसे वो मेरी हेल्प भी करते हैं जैसे जहाँ पे मैं नहीं कर पाती हूँ। और हाँ, हम एवरी संडे तो नहीं, लेकिन हाँ जब भी हमें टाइम मिलता है संडे को हम लोग बातें भी करते हैं। और हम हमारे फार्म हाउस में एक परिवार सभा होती है, एक फैमिली डिस्कशन होता है, तो वहाँ जाते हैं, उसे अटेंड करते हैं। तो एवरी संडे तो नहीं कर पाते, लेकिन हाँ जितना भी टाइम मिलता है उतने में हम कर लेते हैं। जितना जब जब हम जाते हैं वहाँ तो हम लोग करते हैं और मैं अटेंड करती हूँ उसे और समझने की कोशिश करती हूँ। तो हाँ, और वहाँ और अब मैंने फोन भी देखना बहुत कम कर दिया है। इम्पोर्टेंट कामों के अलावा मैं बहुत ही कम फोन देखती हूँ और बाहर आउटडोर गेम ज्यादा खेलती हूँ, जैसे बैडमिंटन और साइकिलिंग वगैरह। और मैं दूसरों की हेल्प करने की भी कोशिश करती हूँ और सबसे व्यवहार अच्छा रखने की भी कोशिश करती हूँ। तो यही थी मेरी शेयरिंग, थैंक यू। जी बेटा, बहुत ही सुंदर बात आपने रखी। और अपने जो एग्जाम्पल में बताया ना कि आपने अपने दोस्त को सारी जानकारी तो दी, लेकिन उसका प्रोजेक्ट आपसे भी बेस्ट बने ये भी आप सोचती है, बहुत ही सुंदर बात है। तो मुझे लगता है अगर धीरे धीरे अगर सारे बच्चों में, स्टूडेंट्स में अगर ये बात, मतलब इस बात को अगर समझ पाए, तो जैसा मतलब हम चाहते हैं, जिस हम बहुत बार प्रेजेंटेशन में बात रखते हैं कि स्वयं स्वयं से शुरू करके फिर फैमिली और फिर वर्ल्ड फैमिली, और तब ये वर्ल्ड फैमिली कैसे बनेगी, इसका बहुत मतलब एक क्वेश्चन तो भी दिल में रहता है। लेकिन आपकी अभी बातें सुनने के बाद तो लग रहा है कि ये मतलब जरूर हो पाएगा, मतलब ये समझ जो है हमसे फिर परिवार में। और बेटा आपकी बातें सुन के, क्योंकि मेरे भी दो बेटियां और बेटा है, तो मैं वैसे उनकी पढ़ाई चल रही है, तो मैंने उनको बहुत बार बताने का प्रयास किया था कि आप भी इसके साथ में जुड़े, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो बनाते, मतलब बातें बताते बिजी हो वगैरह। लेकिन अभी आपकी बातें सुन के तो मुझे लगता है उनके साथ फिर मैं बैठ के प्रयास करूँ, और उनको भी UHV के जो प्रपोजल्स है वो सुनने के लिए उनको भी, मतलब उनसे बात रखूँ। धन्यवाद बेटा, बहुत ही सुंदर। और आप सिर्फ सिक्स स्टैंडर्ड में हो, लेकिन इस तरह से आप समझ बनाने के प्रयास में हो, तो आप और आपके इस परिवार के सारे लोग मतलब बहुत ही एक तरह से लकी है कि आप इसके साथ में जुड़े हुए। धन्यवाद। तो अभी मैं थैंक विनय यू। भैया, हाँ थैंक यू बेटा, तो विनय भैया को मैं आमंत्रित करता हूँ। भैया आप अपनी बात रखें। जी नमस्ते सभी को। नमस्ते बेटा, अभ्युदय को भी और आपको भी। दोनों की शेयरिंग सुनने के बाद ये बात और इसको ताकत मिली कि समझ का संबंध शरीर के उम्र से नहीं है। और फिर एक बात ये भी ध्यान में आ रही है कि कैसे हर सेल्फ अपनी अगली लाइफ के लिए शरीर को चुनते हैं, परिवार को चुनते हैं। तो आप दोनों ने अपने जीवन में समझ को ध्यान में रखते हुए ही इस परिवार में अपने शरीर के साथ को एग्जिस्ट किया है। और सुनते समय एक समय क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि कोई बच्ची बोल रही है या कोई बच्चा बोल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि समझ जो है, समझ के साथ साथ बिल्कुल अलग ही अनुभव आ रहा था। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों दोनों को भी। थैंक यू और सो मच। आशा है आप लोगों से नौगांव में आकर के मिलने का कभी समय मिलेगा और जल्द ही उसको प्लान करने के विचार चल रहा है। भगवान भैया ने भी काफी बार इस बात को रखा है। भगवान भैया और अरुणा दीदी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जितना कर रहे हैं समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, तो
ये देख के बहुत ज्यादा उत्साह और प्रेरणा बन जाती है। धन्यवाद आप सभी का बच्चों, और अरुणा दीदी और भैया का भी, भगवान भैया का जी। आप लोगों का शेयरिंग अगर हम लोगों को मिल जाए ना, यशवंत भैया, इन दोनों का शेयरिंग अगर मिल जाए तो ये स्टूडेंट के लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए सुना करके उनको थोड़ा प्रेरणा दे सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। जी, मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी भैया जी, विनय भैया ने बहुत अच्छी बात कही। एक्चुअल में यूएचबी जो है वो दोहरेपन को कहीं ना कहीं समाप्त करती है, और मुझे सही दिख जाए तो सही का अपना एक सहज गति है, तो सही की जैसे ही सहज गति बनेगी तो हम अपने बच्चों को भी सहज ही रखना चाहेंगे, सहज ही बांटना चाहेंगे। तो अभी सारी दौड़ जो है वो फिजिकल वर्ल्ड की ओर ही रही है और उसका हम सब शिकार हुए, तो हम लोगों को तो बहुत परिश्रम करना पड़ा लौटने के लिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि बच्चों को ये परिश्रम नहीं करना है अभी। अगर हमने उनको जितने जल्दी, क्योंकि बच्चे तेजी से ये बात समझना भी चाहते हैं, उनका व्यवहार भी साफ सुथरा ही रहता है, अभी भेद उनमें खड़े नहीं हुए हैं, तो अगर उनको जितने जल्दी यूएचबी मिल रही है या जा रही है वो बहुत बड़ा चेंज लाने वाली है। हमने अभी बच्चों पे जो भी काम किया तो मैं देखता हूँ कि बच्चों की समझने की जो रुचि है वो बड़ों की अपेक्षा बहुत ज्यादा पाई गई, तो इस बात से हम लोग उत्साहित हैं। और घर में भी जब मैं सत्य रखता हूँ, अभी क्या है कि माँ बाप ही, हम में भी कहीं ना कहीं दोहरापन होता था और उसके कारण हम लोग लेट भी हुए। ये बात तो हमारे जो सर हैं, गणेश सर हैं, वो तो बहुत पहले से कह रहे थे, लेकिन हम लोगों में भी कुछ था कि नहीं बाहर कुछ पढ़ा लिया जाए, बाहर कुछ बहुत कुछ कर लिया जाए, और उसको ही ज्यादा प्राथमिकता देते थे। लेकिन जैसे ही ये प्राथमिकता घर में शिफ्ट हुई तो संवाद की प्रक्रिया भी बढ़ी और एक दूसरे में लर्निंग भी बढ़ी, और उससे मोहल्ले पड़ोस और आपस में भी लोगों के अंदर भी एक भावना जाना शुरू हुई। कई परिवार अब अपने आप मिलने के लिए आने लगे हैं, यहाँ तक कि बच्चों के कारण भी कई परिवार अपने आप कनेक्ट हो रहे हैं, और ये बात हम लोगों को उत्साहित भी करती है। और ये जो श्रेय है वो यूएचबी को, गणेश सर को, बाबा नागराज जी को, या जिन जिन लोगों ने इस बात को साफ सुथरे तरीके से समाज में रखा, उन सबके प्रति कृतज्ञता भी है, और वास्तव में ये बात अपने आप में प्रूफ भी होती है। तो इतनी ही बात में करना। जी भैया, ये सुनते हुए मेरा भी ध्यान यही जा रहा था कि बच्चों के साथ जब बात करते हैं हम ना, तो एक अजम्पशन के साथ, मान्यता के साथ बात करते हैं, ये तो छोटे हैं, इनकी क्या समझ होगी। लेकिन इन दोनों की शेयरिंग सुनने के बाद वो चेंज आ रहा है, दिख रहा है मुझे कि हर बच्चा समझदार हो सकता है। बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद विनय भैया। रजनीश कुमार भैया, नमस्ते। कुमार भैया नमस्ते, शर्मिला दीदी नमस्ते, सुनील भैया और नमस्ते, अमरीश भैया और सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं भगवान भैया को देना चाहूंगा कि जो उन्होंने स्वयं में यूएचवी का कंटेंट इनिशिएट और उसका जो पल्वित किया उसको, और उस पर उसका लाभ जो है, उनके फ्रूट्स उनकी लाइफ में उनको मल्टीप्लाई होके मल्टीफोल्ड वे में वापस मिलने शुरू हुए हैं, और ना केवल उनको बल्कि हम सभी को उसका लाभ मिल रहा है। तो अभ्युदय और संगमित्रा बेटे और बिटिया की शेयरिंग बहुत ऑथेंटिक, मर्मस्पर्शी और सहज प्रस्तुति उन्होंने जो की है, उसके लिए उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। प्रश्न के रूप में मैं संगमित्रा बिटिया से ये जानना चाहूंगा कि उनका जो रूपांतरण हुआ बेटा आपका, जैसे आप अपने भैया से पहले यूएचवी कंटेंट को समझने से पहले जो झगड़ा आप करते थे, जो विरोध का भाव था, उसको रूपांतरण के रूप में
अपने अंदर कल्पना के दृष्टिकोण से या जिस भी तरह से आप उसको प्रस्तुत करना चाहें, विरोध को और सहजता से कैसे आपने रूपांतरित करके उसको आनंददायक और प्रसन्नता में परिणित किया, इस बारे में अगर आप शेयर करें बेटा, कुछ एक्सप्लोर कर पाए। नमस्ते। तो क्या आप एक बार फिर से बता सकते हैं? बेटा मेरा प्रश्न आपसे ये है, हाँ? कि पहले आपने बताया कि आपके अंदर विरोध का भाव भैया को लेके कई बार झगड़ा हो जाता था जैसे, हाँ? कभी कभार, है ना, और अभी आप प्रेम पूर्वक रहते हैं, तो ये जो झगड़े से और प्रेम की यात्रा का जो रूपांतरण है उसको आप डिस्क्राइब कर पाए, आप उसको हम सबके सामने सम्मुख रख पाए, वो हम सुनना चाहेंगे आपसे। जी बेटा, तो स्टार्टिंग में हम दोनों बहुत लड़ाई करते थे, बहुत झगड़ा करते थे, और लेकिन झगड़ा होने के बाद हम दोनों को ही बुरा लगता था एक दूसरे के लिए कि मैंने उसे इतना मारा, मतलब फिर हमें, और ये भी लगता था कि उसकी गलती भी है। फिर धीरे धीरे करके हमें समझ आया कि झगड़े में, पहले तक मुझे लगता था कि सिर्फ भैया की ही गलती है, या फिर मुझे लगता था सिर्फ मेरी ही गलती है, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आया कि नहीं है, हम दोनों की गलती है, और हम दोनों ने थोड़ा थोड़ा करके, सबसे पहले बहुत थोड़े से स्टार्टिंग की, और थोड़ा थोड़ा करके हमारे झगड़े बहुत ही कम हो गए हैं। तो ये यूएचवी की ही वजह से हुआ है, मम्मी पापा बताते रहते थे। जी बेटा, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप उस जो पूरी प्रक्रिया जो है उसको, उचित मार्गदर्शन का जो एनवायरनमेंट आपको मिला है, अच्छा वातावरण जो आपको आपके मम्मी पापा ने दिया है और आपके पापा ने शुरुआत किया, तो उसका लाभ आपको मार्गदर्शन के रूप में मिला और उसको स्वयं में भी आपने रूपांतरित किया। तो बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं हमारी ओर से, आप सब, आप दोनों बच्चों को, आपके परिवार को और आप समाज को, जिस समाज में आप रह के और उसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने अभिव्यक्तियों, कर्मों और व्यवहार के माध्यम से। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद भैया। सुरेंद्र भैया आप बात। हाँ भैया जी नमस्कार, मैं सुरेंद्र सक्सेना ग्वालियर से। संगमित्रा बेटा जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी कम उम्र में आप यूएचवी कंटेंट को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, और ना सिर्फ समझ रहे हैं बल्कि अपने जीवन में भी उतार रहे हैं। ये बहुत अच्छा सुन के लगा, क्योंकि बच्चों में यदि समझ बढ़ती है तो इसका बहुत दूरगामी परिणाम उनके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, कि उनके पास बहुत लंबी उम्र है, बहुत लंबा समय है, और इस दर्शन की जो अपेक्षाएं हैं मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग, वो ये निश्चित रूप में चरितार्थ कर पाएंगे, ऐसी मेरी आशा बन रही है। और जिस प्रकार से आपने अपना शेयरिंग रखा, तो जब बच्चों की भी आप मदद कर रही हैं उनके प्रोजेक्ट्स में, जिससे आपने बताया, और आपकी डे टू डे लाइफ में भी कंटेंट आ रहा है, भैया के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहे, झगड़ा बंद हो गया। झगड़ा, झगड़ा का अर्थ है कि कुछ ना समझी, झगड़े का अर्थ है कि दोनों की समझ में कमी। जब आपकी समझ बढ़ी तो समाधान भी मिला, और झगड़े का कोई कारण नहीं होता, झगड़े का कारण कुछ थोड़ा छोटा मोटा ईगो होता है, तो वो अपने आप ही मैनेज हो जाता है, जब समझ बढ़ती है, वही आपके साथ हुआ है। और आप बहुत अच्छे परिवार से भी है, आपके मम्मी पापा भी इस कंटेंट से जुड़े हुए हैं, भगवान भैया तो बराबर शेयरिंग करते ही रहते हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है, खेती में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो नौगांव में। तो ये बहुत अच्छा आपके सामने आदर्श भी प्रस्तुत है, और आपको करने के लिए मौके भी बहुत हैं, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो अब ये एक आध छोटी छोटी बात पूछना है आपसे, कि जैसे आप एजुकेशन ले ही रही हैं, पढ़ाई कर ही रही हैं, तो पढ़ाई में पहले और अब में क्या अंतर आया है? पढ़ाई में वैसे हम देखते हैं कि बच्चों का मन नहीं लगता, क्लास में भी बैठे रहते हैं तो कहीं मन और जाता है, पढ़ाई में भी घर में भी वैसे करते हैं, तो पहले से आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान, एकाग्र चित्तता पहले से बड़ी है, और उसमें वो उसमें क्या चेंज आया है? तो एक तो ये आप थोड़ा बताने का प्रयास करें, और दूसरा जैसे आप बच्चों के साथ खेलते ही होंगे स्कूल में भी घर पे भी,
तो उनके साथ भी बातचीत में ये जो यूएचबी कंटेंट है, जैसे सही समझ है वो कैसे होती है और जो बातें होती हैं अपने इसमें, उनको उनको बच्चों के बीच भी शेयर करो, इससे उनका भी इंटरेस्ट बढ़े। जो चेंज आप में आए हैं वो और भी बच्चों में आएंगे, तो वो आपके साथ बहुत अच्छे साथी और दोस्त हमेशा के लिए बने रहेंगे, क्योंकि अभी अभी कभी ना कभी उनके साथ भी झगड़े होते हैं, क्योंकि आपने तो समझ लिया, उनको समझ में अभी नहीं आया है। तो उनके साथ भी प्रयास करें, या शिक्षकों के माध्यम से, क्लास के माध्यम से या खेल के माध्यम से, इस प्रकार से आप करेंगे ना तो और भी अच्छा माहौल आपके आसपास बनेगा। और मैं वैसे ओरिजिनली जिला जालौन, मेरा गांव धनौरा है, वहां के रहने वाला हूं, वहां के पास मेरे पास जमीन भी है, मैं रेलवे से रिटायर्ड हूं, मैं हरपालपुर में मैं भी स्टेशन प्रबंधक रहा था, और नौगांव में हमारे मामा जी हरगोविंद सक्सेना जी बीडीओ थे, रिटायर हुए, वहीं रहे, वहीं वो एक्सपायर भी हो गए जब मैं आता रहता था वहां। तो अभी कुछ खेती का कार्य करने में मैं कुछ उनसे जानना सीखना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह करने की मेरी अभी भी इच्छा है, हालांकि मेरी उम्र 72 साल हो गई है, फिर भी जो कुछ भी समय बचा उसका मैं सदुपयोग करना ही चाहता हूँ। तो इसमें भी आपके पापा जी से मदद लेना चाहता हूँ, भगवान भैया सुन रहे होंगे तो मुझे थोड़ा मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। और बेटा जी आपसे जो मैंने पूछा इसके बारे में आप कुछ बताने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते। तो पढ़ाई जब मैं स्टार्टिंग में जब मुझे नहीं पता था तो मम्मी बुलाती थी और मैं नहीं आती थी, मुझे लगता था कि मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट क्यों करूं, लेकिन फिर मम्मी पापा ने धीरे धीरे करके समझाया कि उनने कहा कि जब जो भी तुम कर रही हो बस तुम देखना तुम क्या कर रही हो और ध्यान देना कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो ये थोड़ा इजी था तो मैंने सोचा कि पहले तो 2-3 बार मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने एक दिन ट्राई किया और पूरी तरीके से तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आया और थोड़ा इंटरेस्ट भी जगा। तो फिर ऐसे करके मैंने थोड़ा थोड़ा करके मुझे स्टेप्स भी बताए और इस टाइप से। और स्कूल में मैं फ्रेंड्स के साथ पहले से मतलब अच्छा बिहेवियर भी करने लगी हूँ, और अगर जैसे कोई छोटा सा झगड़ा होता है होता तो छोटा सा फिर वही बड़ा बन जाता है। तो जैसे मेरे फ्रेंड्स के साथ अगर कोई लड़ाई होती है वो होती छोटे से कारण के लिए ही है, तो मैं पीछे हटने की कोशिश करती हूँ और हाँ इस टाइप से झगड़ा भी नहीं बढ़ता है और हम लोग अच्छे तरीके से रहते भी है और थोड़ा थोड़ा मैं उनको भी बता पाती हूँ ये सब, अभी ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा अगर फ्री पीरियड में इस टाइप से थोड़ा थोड़ा तो उनको भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बनता है। और ये पढ़ाई में आपका एक ध्यान अच्छा लगने लगा है पहले के कंपैरिजन में? हाँ पढ़ाई में भी अच्छा लगने लगा है। अच्छा ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भगवान भैया थोड़ा आप मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, मैं आपके पास आ गया। भैया आपकी बात को मैंने सुन लिया है, आप जब भी चाहें आपका नौगांव में भी स्वागत है और आपके यहाँ भी दूर नहीं है, आप काम करिए हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब से सीखना पड़ेगा, 2-4 दिन फार्म पर रह करके सारी प्रोसेस को समझना पड़ेगा। ये आपका आपका स्वागत है, यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं और बहुत जरूरी है कि हम प्रकृति को साथ प्रकृति को बहुत गहरे से समझें और उसमें जीना जैसे ही हम शुरू करेंगे तो बहुत से समाधान अपने आप आते चले जाते हैं। पहले मेरे को बहुत भागने का बाहर का काम कार वो रहता था, लेकिन जैसे जैसे मैं नेचर के साथ काम कर रहा हूँ कि नेचर की भी अपनी एक कनेक्ट, जैसे जैसे मैं नेचर की ओर काम करता हूँ कि मैं कनेक्ट होता जाता हूँ, तो बाहर फैलाव अब कम हुआ है अभी तो, और अंदर प्रकृति को समझने का उसमें देखिए आप कितनी सारी क्रियाएं चल रही हैं वो क्रियाएं दिखने लगती हैं। तो शून्य में जो क्रियाएं चल रही हैं, शून्य में जितनी भी इकाइयां हैं अगर उनको भी हम चांद तारे नक्षत्रों को देखना शुरू कर दें तो वो अपने आप में एक वो भी एक चलचित्र की तरह ही है। ऐसे ही प्रकृति के साथ भी जब हम नित्य नूतनता देखते हैं
तो उसमें रोज कुछ ना कुछ, कोई फूल खिल रहा है, कोई झड़ रहा है, तो ये अपने आप में आनंददायी काम है। और ये तो इसकी अभी और बहुत सारी गहराइयां हैं जिनको आगे हम लोग भी लगे ही हुए हैं कि इस पे काम करें, तो अच्छा है भैया जी। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को, संगमित्रा बेटा एंड अभ्युदय जी दोनों को बधाई। मैं सभी के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो लास्ट अक्टूबर में मेरा पूजा वेकेशन मैं बिताई भैया के परिवार के साथ, और मुझे लगता है मेरे लाइफ का ये बेस्ट वेकेशन था। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। उनके घर में मैं 3 दिन बिताई बच्चों के साथ, भाभी भैया के साथ। आगे मैं कानपुर और दिल्ली चली गई और फुल मेरा ट्रिप पृथ्वी को ही डेडिकेटेड था। तो ये जो 3 दिन इन लोग के साथ बिताए, पूरा घर में एक ही कमरा में, संघमित्रा तो मेरे साथ, मतलब मैं क्या संघमित्रा के साथ सोई थी। तो हमने ये देखा, मैं बीइंग अ स्कूल टीचर मुझे हमेशा ये बच्चों के बिहेवियर में ऑब्जर्वेशन में करती रहती हूँ उसको। तो नॉर्मली घरों में आजकल दिखता है कि बच्चे या तो मतलब कुछ तो आर्गुमेंट्स होते ही है एडोलेसेंट दोनों, तो संघमित्रा ऑन द फ्रेश ऑन द एडोलेसेंट टीनेज, और अभ्युदय तो क्लास 10 में ही था, जस्ट बिफोर द बोर्ड था उसका उस टाइम। नॉर्मली ऐसे घरों में देखा जाता है या तो शोरगोल होता है, आर्ग्यूमेंट्स होता है, या तो पेरेंट्स के साइड से पढ़ो पढ़ो, या तो मतलब ये करो वो ना करो, ये शोरगोल होता है, या तो बच्चे अपने आप को अपने अपने कमरे में बंद रखते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक अलग ही माहौल दिखा था कि सब कोई मतलब बहुत ही आराम आराम से सब कुछ चलता रहता है, आवाज बहुत कम रहते हैं, आवाज जितने हैं उतने हैं कि भैया से मिलने के लिए बहुत लोग घर में आते रहते हैं। और मैं बच्चों को देखी हूँ कि या तो अपना काम करें, उन लोग संघमित्रा अपना बैग पैक करेगी किसको उसको जाना था, शायद अभ्युदय का तब स्कूल नहीं था शायद, लेकिन संघमित्रा को जाना था, अपना तैयार होती रहेगी, भाभी अपना उन लोग के लिए टिफिन बनाते हैं, फिर अभ्युदय को पढ़ना है तो पुणे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद में जितने लोग आते रहते भरे रहते हैं, भैया का नौगांव में भी उनकी उनसे मिलने के लिए लोग आते रहते हैं, तो बच्चे को जब भी टाइम मिलता है आके चुपचाप से उन लोग साइड में कहीं बैठ जाते हैं, किसी को फील नहीं होगा कि वहां तो बच्चे बैठे हैं, बट साइलेंटली उन लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं, ये कंटेंट मतलब सुनते रहते हैं। तो फ्रॉम अ डिस्टेंस जो बोलते हैं हम लोग को मन के ऊपर करना है, उन लोग फिजिकली भी वहां वही करते हैं, तो ये एक अलग ही माहौल दिखा। तो जो लिविंग में भैया भाभी उन लोग को ये चीज लेके आए हैं और उसका पॉजिटिव असर जो बच्चों के ऊपर पड़ा, तो दोनों साइड से हम लोग यहाँ जैसे बोला जाता है कि एक पर्सन एक सेल्फ का ग्रोथ मतलब 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो एक तो जो सेल्फ का ऑलरेडी जर्नी जितना है, ऊपर से बाकी 2 फैक्टर जो एनवायरमेंट में उन लोग अपने को पाते है और जहां से उन लोग अपना अपने को आगे लेके जाते हैं। तो भैया भाभी ने बच्चों को ये एनवायरनमेंट दिया तो बच्चे खुश नसीब है, लेकिन बच्चे भी ऐसे है कि वो कंटेंट को अच्छे से लिया और आगे उन लोग चला रहे हैं, ये बहुत ही एक सुखद अनुभव है। तो मेरी ये जर्नी के बारे में। और बेटा रूपाली मालती को तो याद है ना बेटा, एक क्वेश्चन है, आपने अभी अभी तो बोला ही है कि जनरली स्कूल में बच्चों के बाकी फ्रेंड्स के साथ कभी कुछ हुआ तो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। मेरा क्वेश्चन मन में उस पहले से आ रहा था कि आप एक पर्टिकुलर कुछ आपको याद होगा कि जिससे आप पॉजिटिव बताया अपने आपके शेयरिंग में कि हेल्प मांगा और पहले कैसे नॉर्मली आ ही जाता है कि मतलब मेरा तो हो गया है, लेकिन आपने हेल्प करने का सोचा है और इवन बेटर बनाने का सोचा है। नेगेटिव में ऐसा कुछ आपको पर्सनली में ऐसा हुआ कि एक नेगेटिव एक्सपीरियंस आपको फेस करना पड़ा कोई फ्रेंड्स के साइड से या तो टीचर के साइड से, क्योंकि उन लोगों के पास एक कंटेंट दिया नहीं है और आपके घर में बहुत ही एक कंड्यूसिव एटमोसफियर एक अच्छा एटमोसफियर से आप पले बड़े हैं, लेकिन उस बाहर की दुनिया में फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स से या तो टीचर से
नेगेटिव कुछ आता है तो आप एक पर्टिकुलर एग्जांपल आपको याद होगा कि आपने उसके साथ कैसे डील किया। नमस्ते। हाँ बेटा, आप लोग हम लोग को आंटी अंकल ही बोल सकते हैं, मुझे लग रहा है आपको लोग को झिझक हो रहा है, भैया बोले दीदी बोले क्या बोले, अंकल आंटी ही हम लोग सब। जी बेटा, तो आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? हाँ, मैंने पूछा कि कोई भी एक नेगेटिविटी अगर आपकी तरफ आया है बाहर की दुनिया से, फ्रेंड्स से या तो टीचर से, आपने उसको आराम से कैसे डील कर पाए, या तो आप थोड़ा सा हिल गए थे, क्या हुआ था आपके साथ, कैसे अंदर याद है? हाँ, तो जैसे जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूल गई, मतलब फर्स्ट टाइम जब नेक्स्ट स्कूल में शिफ्ट हुई थी, तो स्टार्टिंग में तो ऐसे फ्रेंड्स नहीं बने थे, तो स्टार्टिंग के 2-3 दिन में ऐसी थी, और उसके बाद फिर मतलब थोड़ा सा फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स बने, और एक बच्ची थी, मतलब एक बार उसने पता नहीं किया तो मन से शिकायत कर दी, और फिर मैं आई गेस क्लासरूम के बीच में कुछ कर रही थी, बातें कर रही थी, तो तब मुझे डांट पड़ी। तो पहले तक मुझे लग रहा था कि नहीं, इसने क्यों बताया, और हाँ इसे क्या फर्क पड़ रहा था, पर अब मुझे समझ आया कि नहीं, उसकी इंटेंशन सही थी या गलत थी तो नहीं पता, लेकिन हाँ उसने जो मेरे साथ किया वो सही है, क्योंकि अगर उस टाइम पे मैं नहीं करती तो फिर अगर उस टाइम पे लेक्चर नहीं सुनती तो फिर मुझे ही समझ नहीं आते, फिर डाउट्स के लिए अलग से जाना पड़ता। तो हाँ ऐसे हुआ था, पहले तक मुझे बहुत बुरा लगता था कि ऐसा क्यों करा उसने ऐसे। अच्छा बेटा, ठीक है, आपका इंटेंशन का वो क्लैरिटी नहीं था कि सही था कि गलत था, लेकिन आपको इतना तो दिख गया था कि ध्यान नहीं देने से आपको ही तो आगे जाके मुश्किल होगा क्लास में, अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं दे, और इसीलिए उसका कंप्लेन किसी हद तक आपको हेल्प ही किया, ऐसा आपने सोचा था, मतलब आप पॉजिटिवली ले पाए थे वो बात, या तो बाद में सोच पाए कि हाँ उसका कंप्लेन में बुरा तो लगा था, लेकिन उससे एक्चुअली उसने मेरे भले के लिए ही कुछ किया है, ऐसा सोचे ना? हाँ, मतलब जब स्टार्टिंग में जैसे उन्होंने मुझे डांटा तो पहले तक तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, लेकिन उसके बाद फिर छुट्टी के लाइक 1-2 पीरियड्स पहले हम लोग, मतलब फिर थोड़ा सा मैं फ्री पीरियड था क्योंकि वो एक्टिविटी पीरियड था, तो फिर मैं तो फिर डांस वाले सर नहीं आए थे, तो उसी की वजह से हम बैठे थे क्लास में, तो मैं ड्राइंग बनाते यही सोच रही थी, नहीं उसने गलत नहीं किया सही किया, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी उसने सही किया या गलत किया, फिर आके मुझे लगा नहीं उसने मेरे लिए सही ही किया, वरना फिर मुझे अलग से जाना पड़ता डाउट्स के लिए, और उतने क्लियर भी नहीं हो पाते। अच्छा, तो आप आराम में आ गए, नहीं आपको तो थोड़ा आराम लगने लगा था। हाँ। जब उसके लिए आप अच्छा सोचे तब आपको भी अच्छा लगा अंदर से, ऐसी बात? अच्छा, बहुत बढ़िया, हम लोग के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, अभी भी हो रहा है, बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद रूपाली दीदी। अनिल भैया, आप मेरे सभी संबंधियों को नमस्ते, और दोनों बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीष, और ये बहुत ही आज हर्ष का विषय है कि हमारे जो है ना इस समाज से जो है ना नए बच्चे भी जो है ना समझ की उम्र भी और शरीर की उम्र भी जो है ना कम उम्र में साथ हुए हैं, जुड़े हैं, सीख रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और आज मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि संस्कार आज मुझे नजर आया जो भगवान भैया के घर में है, तो ये जो संस्कार आज दिखने को मिला, और यही चाहते हैं कि प्रत्येक मानव के घर में संस्कार स्थापित हो जाए, और जो भी बच्चा जन्म देगा वो स्टार्टिंग से ही उसकी शरीर की उम्र और समझ की उम्र शुरू से ही बढ़िया रहेगी, और
ये समाज बहुत अच्छा बनेगा। तो ये आज की शेयरिंग सुन के मैं बहुत गदगद हुआ और ये बाबा जी का सपना आज पूरा हो रखा है, उसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। जी भैया, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि जो इसमें हमारे जो गणेश सर हैं, इस परिवार पर उनकी हमेशा बहुत ध्यान रहा। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो अभ्युदय है, इसने जो है शिविर एक्चुअल में जब ये गर्भ में था तभी इसकी माँ ने शिविर किया था अरुणा जी, तो वो भी एक अपने आप में बात है। फिर इसका नामकरण भी गणेश सर के द्वारा ही दिया गया। और ये चीज देखने की है कि इसमें जो है पढ़ने में भी इसकी या किसी भी बात को समझने की जो इसकी तर्क शक्ति है वो बहुत ही अच्छी है। ये पढ़ने में भी इसका जो है बहुत अच्छा वो रहता है। सार सत्र में जाने के कारण इसका नाम स्कूल ने काट दिया था और उनका यही था कि भाई ये लड़का पढ़ने में सबसे टॉप जाता है और अब ये कहीं फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो बाद में हम लोगों ने वो जुड़वा दिया नाम। और पढ़ने को भी बहुत गहराई से लेता है। तो ये सब चीजें जो आ रही हैं उसमें बात यही है कि जो सही समझ की बात हो रही है, जब हम सही समझ जाते हैं तो हम किसी भी काम को उत्साह पूर्वक कर पाते हैं। वही हम लोगों के साथ सृष्टि को समझने, श्रम के साथ जुड़ने में भी हो रहा है कि हम जब कहीं भी पूरे होते हैं तो वहां हम पूरे ही होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है अनिल भैया जी। इसमें बस एक ही बात मैं भैया जोड़ पाऊंगा कि प्रत्येक मानव में, प्रत्येक बच्चे में एक गुरु बैठा हुआ है और उस गुरु को जगाने वाले को ही गुरु कहते हैं। और मैं इन बच्चों में देख पा रहा हूँ कि वो गुरु जगा हुआ है, तो बाकी तो स्वयं स्फूर्त विधि से हो ही जाएगा। तो ये बहुत सुखद समाचार है भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात रखिए। नमस्ते सभी को। मैं पास्ट भी याद करती हूँ तो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरा बेटा सिर्फ 3.5 साल का था और मतलब वो हमेशा मेरे साथ वॉक करने जाता था, भले ही मैं सुबह 5 बजे वॉक करने जाऊं। तो उस टाइम मैं उसकी उन चीजों को उतना अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाई थी। मैं उस चीज को उसका प्यार समझती थी, परंतु मैंने देखा कि उसके अंदर जो एक केयर, मतलब वो जैसे मेरे हस्बैंड कभी मुझे गुस्सा कर दें या कभी हमारा झगड़ा हो जाए या मैं बैठ रही हूँ तो वो जल्दी से तकिया लगा देगा मेरे पीछे, मुझे प्यास लग रही है मैं हस्बैंड से पानी बोलूंगी, मेरा बेटा बॉटल लेके आ जाएगा। और कभी कभी कहता था मम्मा मैं हूं ना, आप टेंशन मत लो। मतलब वो ऐसी केयर करता था जैसे कोई बड़ा केयर करता है। तो कभी कभी मुझे खुशी के मारे आंसू भी आ जाते थे। परंतु आज जो जिस तरीके से मतलब शेयरिंग भी हुई और मैं जिस तरीके से सेल्फ को महसूस कर पाई, तो वाकई अगर हम एज को अलग रख दें तो मतलब देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। इनफैक्ट अभी मेरी जो बेटी है, मैं सिचुएशन को जब संभाल नहीं पाती दोनों बच्चों के झगड़े को, तो फिर एक ही निर्णय लेती हूँ कि अब मैं बात नहीं करूंगी। तो मैं उनसे सीधा कहती हूँ मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगी। या फिर किसी एक ने दूसरे को मारा तो मैं कह देती थी कि मैं उसकी तरफ से सॉरी बोल रही हूँ अगर तुम झगड़ा नहीं बंद करोगे। तो वो बच्चा इतनी जल्दी ऑब्जर्व करता था उस चीज को, मतलब बेटी तो मेरे ऊपर वो चीज कर देती थी। अगर मैं किसी से कुछ कह रही हूँ तो वो कहती थी मैं इनकी तरफ से आपसे सॉरी बोलती हूँ। तो उस टाइम हंसी भी आती थी, लेकिन मैं देख पाती थी कि बच्चा कितनी जल्दी ऑब्जर्व कर रहा है। और जब मैं उससे बात नहीं करती थी तो उस समय वो मुझे मनाने में लगी रहती थी, कुछ ऐसी एक्टिविटी करती थी। फिर वो मेरे साथ सेम चीज करती थी कि अब वो मुझसे बात नहीं करेगी अगर मुझसे वो किसी बात को लेके एग्री नहीं है तो, या मैं उसका कोई उसकी जिद पूरी नहीं कर रही हूँ तो। और फिर वो ये भी देखती थी कि जब वो मुझसे बात नहीं कर रही तो अब मम्मा क्या करेंगी। और मेरा जो बिहेवियर होता था फिर वो नेक्स्ट टाइम वो अप्लाई करती थी। तो मतलब इतनी जल्दी, कभी कभी तो मैं इतनी स्टक हो जाती हूँ चीजों में कि मैं नहीं समझ पाती कि क्या करूं। और मेरे बेटे के साथ तो ऐसा होता है कि वो इतना, पता नहीं उसमें ये समझदारी शायद मुझे लगता है सभी में होती है, मैं शायद अब ऑब्जर्व करने लगी हूँ। तो उसको तो कभी कभी बड़े ये कह के डांट देते हो, बच्चे हो बच्चे की तरह रहा करो, ज्यादा बड़े मत बनो।
परंतु मैं देख पाती हूँ कि वो कहीं कहीं चीजें ठीक भी करता है, परंतु वही बड़े छोटे वाली बात आ जाती है, तो मैं सही तरीके से चीजों को रख नहीं पाती। और जो कहते हैं ना न्याय वाली बात, के अगर वो ठीक सही भी है तो अकेले में उससे डिस्कस कर लूंगी वो बातें, पर उन किसी और के सामने उस तरीके से नहीं रख पाती। तो आज आपकी शेयरिंग जब हुई संगमित्रा जी, तो मुझे बड़ी और अपने आप में और थोड़ी सी चीजों को मैं क्लैरिटी से देख पाई हूँ बेटा। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान भैया को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। नमस्ते। अभी मैं कुमार भैया को आमंत्रित करता हूँ। भैया बहुत अच्छी शेयरिंग रही है संगमित्रा की, काफी सरलता से उन्होंने शेयर किया जिस तरह से ऑब्जर्व कर रही हैं और जो घटनाएं हो रही हैं इनके साथ। और ये जो अभ्यास एक और दो की बात भी उन्होंने की, उन्होंने सारे स्टेप्स पे कुछ ना कुछ जरूर रखा। ये जरूर है कि स्टेप्स को ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए और बारीकी से देखने के लिए भी अपनी और थोड़ी तैयारी चाहिए, परंतु इस उम्र में ये इतने सारे स्टेप से ध्यान दे रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। क्या उम्र होगी संगमित्रा आपकी, 10 से ऊपर हो गया 10 से कम है? इस साल मैं अभी 11 की हो जाऊंगी, अभी 10 की हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, तो बहुत अच्छा। और कुछ अगर आप शेयर करो, जैसे सुख स्वभाव या प्रभाव है, इससे क्या अर्थ निकलता है? नमस्ते। स्वभाव और प्रभाव, जैसे इसका कोई सरल वर्ड है क्या? मतलब मुझे स्वभाव और प्रभाव समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। तो स्वभाव का मतलब है कि हमको उसका सुख का स्रोत स्वयं में दिखाई देता है। प्रभाव मतलब कोई बाहर से कोई चीज मिलती है तभी हम सुखी होते हैं। अच्छा, तो हाँ पहले तक मुझे लगता था कि नहीं, जो चीज चाहिए चाहिए ही है, और बाहर से किसको देख के मुझे लगता था जैसे किसी की कोई चीज देख ली उसके बाद फिर लगता था हाँ ये दूसरों को देख के मुझे लगता था या फिर इसी टाइप से कुछ। ठीक है, बहुत अच्छा। और सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट होती है? सुविधा की आवश्यकता सीमित है? सुविधा की जरूरत कितनी है? हाँ अधिक है, मतलब ज्यादा भी नहीं है। नहीं, हाँ ठीक है, निश्चित दिखा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो एक तो मैं कहूंगा कि इस उम्र में बड़ी सरलता से जो आपने शेयरिंग की है और इतने सारे मुद्दों पे ध्यान दे रहे हैं, और परिवार में जिस तरह की अनुकूलता है, जिस तरह का वातावरण है, और जिस तरह से भैया भाभी आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप दोनों के ऊपर, अपने के ऊपर भी और आपके ऊपर भी, तो काफी अच्छी संभावना है। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि जो पिछली बार आपने शेयरिंग की थी तो उसके मुकाबले इस बार की शेयरिंग काफी अच्छी रही है, काफी विस्तृत रही है, फैलकर, है ना। इतने अभ्यास एक और दो के सारे बिंदुओं को आपने लिया और उसके ऊपर बात रखी। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि परिवार में जब अनुकूल वातावरण होता है तो हम उत्साहित होते हैं, हम गतिशील होते हैं, हमारी हमारा एक मोटिवेशन होता है, परंतु एक वातावरण का भी प्रभाव होता है, उस प्रभाव में बहुत सारी चीजों का मूल्यांकन फिर से हम शुरू करते हैं। तो इन जनरल यदि मैं देखूँ तो हम सभी पेरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये तो रहता ही है कि परिवार में तो हम इस तरह का वातावरण देते हैं, परंतु जैसे जैसे समाज में जाने की आवश्यकता बनती है बच्चों की, तो समाज का भी एक प्रभाव बनने लगता है। तो उस अर्थ में ही हम लोग शिक्षा संस्कार के अर्थ में काम कर रहे हैं ताकि समाज में भी एक अच्छा वातावरण बने, और ये भी साथ में हो कि बच्चों के अंदर इस उम्र में किस तरह के प्रश्न बनते हैं, बच्चों के अंदर किस तरह का प्रभाव बनता है, उसका भी अगर हम लोग सिस्टमेटिक स्टडी करें तो काफी अच्छा रहेगा। जो भी अपने साथी जुड़े गंभीरता पूर्वक, उनके परिवार में एक अनुकूल वातावरण रहा, परंतु जो परिवार के बाहर का वातावरण रहा उसमें कई बार कठिनाई हुई, तो वो भी एक आवश्यक कार्य है जो अपने लिए करने योग्य है। और इन दो बच्चों को सुनकर, दीदा और संगीता को सुनकर, मुझे लगता है कि और भी जो बच्चे हैं उनको प्रेरणा मिलेगी कि इस उम्र से भी बच्चे इतनी गंभीर मुद्दों पर बात कर सकते हैं, जहाँ बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उलझ जाते हैं या ऐसी उनके अंदर इच्छाएं बन जाती हैं जो बाहर के प्रभाव में होती हैं, उसके मुकाबले बच्चे
अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, संबंध की बात कर रहे हैं। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया कि इन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था और इनके दोस्त ने कहा कि इन्होंने शेयर किया उसके साथ, ना कि ये सोचा कि इसको मैं अपने पास ही रखूँ। तो इस तरह के उदाहरण और भी यदि अपने को मिलते हैं सुनने के लिए तो ये छोटे बच्चों के लिए काफ़ी प्रेरणादायक होंगे। और अब हम तो हायर एजुकेशन से प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में भी जा रहे हैं, इसके लिए और बहुत सारे केस स्टडीज अपने को मिलेंगे, उनका अगर हम संकलन कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इश्यूज देखें तो छोटे छोटे हैं, परंतु इनके आधार में जो संस्कार है अगर उसका ठीक से मूल्यांकन इस उम्र में हो जाए तो काफी दीर्घ परिणाम आएंगे उसके लाइफ में आगे चलकर। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना संगीत्रा आपको और पूरे परिवार को। जी बहुत ही अच्छा। जी धन्यवाद भैया। विनोद भैया आपको माइक दिया है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज दोनों बच्चों का शेयरिंग सुनकर के दिल बाग बाग हो गया और भगवान भैया अरुणा दीदी को साधुवाद। और बहुत कार्य करने का है और अच्छे रिफ्लेक्शन आए हैं। और भाग्यश्री दीदी के बच्चों के साथ तो मेरे को जुड़ने का मौका भी मिला था, तो न केवल बच्चों तक ये बात जाएगी लेकिन गुरुजन जो सुन रहे हैं, हम लोग सब अलग अलग आयु के पेरेंट्स हैं, कुछ लोग तो हम में से 60 वर्ष के ऊपर के भी हैं। तो सहज भाव से और इतनी सरलता से संगमित्रा ने अपनी बात को रखा है, 10 वर्ष की कन्या है और ये दिन भी नवरात्र के चल रहे हैं, तो आज की तारीख में एक तरह से मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ चीजें अवतरित हो रही हैं अपने आप। और भगवान भैया ने बताया कि बच्चे का नाम अभ्युदय गणेश भैया के माध्यम से रखा गया, तो संगमित्रा आज का दिन का अभ्युदय संगमित्रा और अभ्युदय के ही बोलने से हुआ और ये नवरात्र वाला पक्ष भी चल रहा है। तो मेरे को वाणी को अब समय भी हो गया है, विराम देना चाहिए। नमस्ते सही नमस्ते सही नमस्ते सही नमो नमः। धन्यवाद भैया मेरे को समय देने के लिए और बहुत प्रेरणा और अच्छा लग रहा है कि भविष्य अगर सही तरी परिवेश ठीक मिले तो संस्कार बिल्कुल परिलक्षित होते हैं। राजेंद्र प्रसाद भैया सभी को, हमारे परिवार के सदस्य आदरणीय परिवार जी, आदरणीय प्रणाम जी, इनके यज्ञ का आज परिणाम आज देखने को मिला है अभ्युदय और संगमित्रा के रूप में। वास्तविक में प्रतिफल है अच्छे यज्ञ का। तो यही कामना है हमारी कि इसी तरह से हमारी संगमित्रा अभ्युदय और अच्छे अपने आप में एक्सप्लोर करते रहे और भावी पीढ़ी के लिए अच्छी प्रेरणा देते रहे। धन्यवाद, शुभकामनाएं हमारी। खरे साहब पे जो राजेंद्र प्रसाद खरे जी हैं ये हमारे ही परिवार के हिस्से हैं और इनके ही बेटे महर्षि हैं जो एमटेक करके अब पूरी तरह से यूएचबी के लिए काम करने लगे हैं। इनके दो बेटे हैं, एक इंजीनियर, दोनों इंजीनियर हैं। तो इनके घर में भी यूएचबी धीरे धीरे पूरी तरह से फैलती जा रही है, तो ये एक पॉजिटिव सूचना है जी। बहुत बढ़िया, शुभकामना। धन्यवाद भैया। सुनीता दीदी आपको माइक दिया। नमस्ते सभी को। आज इन दोनों बच्चों की शेयरिंग सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और जो चीज मेरे दिमाग में आई कि जो है ये यूएचवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ की हम बड़े लोग, मतलब मैं तो टीचर हूँ, मैं तो बच्चों की फीलिंग को समझती हूँ और बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन बड़े लोग भी इस चीज को समझ पाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म पे मतलब अगर बच्चे जुड़ेंगे तो जो है मतलब पेरेंट्स और बच्चों की जो कम्युनिकेशन गैप होता है, मतलब जैसे बड़े बच्चों को नहीं समझ पाते, बच्चे बड़ों को नहीं समझ पाते, ये सॉल्व हो सकती है, मुझे ऐसा लगा। जी दीदी बहुत अच्छा बोला सुनीता जी आपने। मैं आपको बताऊं, मैं घर में बच्चों को कम समय दे पाता हूं क्योंकि मेरे पास और परिवार भी हैं। तो मेरे पास एक बेटा है, मेरे विक्रम जी का भविष्य,
भविष्य माँ बाप पे की कोई बात अगर वो होगी तो वो मेरे पास आता है, छोटी छोटी सी बातें जो है मैं ऑब्जर्व कर पाता हूँ बच्चे का। कल मैं देख रहा था कि वो यहाँ का मॉनिटर है कि यहाँ सत्र चलेगा तो घंटी बजाएगा, सब करेगा, वो 4-5 साल का है, उसका भी अभी शेयरिंग हुआ था, तो वो अटेंडेंस लगाना चाहता था सबकी, और उसकी बहन ने उसकी कॉपी छिटक ली, तो जैसे ही उसने कॉपी उसकी छीनी कि वो मेरी तरफ देखा, और मैंने उसके साथ कि भाई ये इतने जल्दी तुमने एक्शन क्यों लिया, चलो ये सबकी अटेंडेंस लेगा, बड़ों की भी अटेंडेंस लेगा। तो मतलब ये बात है कि बच्चों पे जितना ज्यादा, बड़ों का तो इतना ही सबसे बड़ा काम होगा कि वो बच्चों को देखना शुरू कर दें, पॉजिटिव देखना शुरू कर दें, अभी हम उन्हें छोटा मानते हैं, तो ये बात बहुत सही है। हेलो, हाँ गणेश भैया, हाँ जी। हेलो संगमित्र बेटे। नमस्ते। नमस्ते बेटी। ओके, तुम्हारा ये शेयरिंग सुन के बहुत अच्छा लगा एकदम, और तुम ऐसी करते रहो, सिखाते रहो हम लोग को, हम लोग को भी मौका मिल रहा है, और भगवान भैया को तो बहुत धन्यवाद है, इससे हम लोग को भी आंख भी खोल रहा है, और भी जे हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं और करने का भी है, ये सब देखते सुनते सुनते हम लोग का माइंड में आ रहा है, देखते हैं भगवान क्या लिख के रखा है, हम लोग को करने का भी ये मन करता है। थैंक यू बेटे, बहुत अच्छा, बहुत आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। अरुणा जी कुछ बात रखना चाहती हैं तो। हाँ जी दीदी। नमस्ते सभी को। बस दोनों की अच्छी शेयरिंग थी भैया, और ये लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं, बस मैं अपना काम कर रही हूँ, इतना ही कहना चाहूंगी मैं जी। सभी को नमस्ते। भगवान भैया के परमार परिवार की बातें सुन के हम सभी को बहुत ही अच्छा लगा, और हमारे लिए मतलब एक प्रेरणा का स्रोत बना है ये परिवार, तो धन्यवाद जी। जी नमस्ते सभी को।